नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल मनोहर कुमार पर। दोस्तों, शादी ब्याह का समय आ गया है और शादी ब्याह में सोना का खरीदारी बहुत ज़रूरी होता है और इसी में सबसे ज़्यादा लोग ठगी का शिकार होते हैं। कारण ये होता है कि न सोना का दाम हमको पता होता है, न उसका वजन पता होता है और न उसका वजन का दाम कैसे निकालते हैं वो भी पता नहीं होता है। इसलिए सुनार जितना पैसा बोलता है उतना हम लोग देकर चले जाते हैं। तो अगर आप भी नहीं जानते हैं सोना का दाम कैसे निकालते हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। आज के बाद आप भी कभी ठगी का शिकार नहीं होइएगा। तो चलिए सोने का दाम निकाल कर आपको हम बताते हैं। मान लीजिए कोई सोना का हार खरीद रहे हैं आप और सोने का जो वजन हुआ वजन आपका है 5 ग्राम। और 8 मिलीग्राम इस सोने का वजन हो गया, यानी कि का दाम निकाले। ठीक है, 5 ग्राम 8 मिलीग्राम सोना का आपको दाम निकालना है। ठीक है, मान ली जाए 10 ग्राम सोना का दाम 50,000 रुपया है इतना। तो दाम निकालने से पहले इसका जो कुछ बेसिक चीज होता है वो आपको हम बता देते हैं। 10 ग्राम सोना बराबर होता है 1 तोला और 10 ग्राम सोना बराबर ही होता है 1 भरी। अपने यहाँ ज़्यादा भरी में ही सोना बिकता है। तो 10 ग्राम सोना का दाम कितना है? 50,000 रुपया है ना यहाँ पर। तो 10 ग्राम सोना का दाम बराबर 50,000 रुपया है। तो यहाँ से हम 1 ग्राम सोना का दाम निकाल सकते हैं। यहाँ से हम 1 ग्राम सोना का दाम बराबर कितना हो जाएगा? 50,000 में 10,000, 10 से आप भाग दे दीजिए, इस 10 से आप भाग दे दीजिए तो आपको 1 ग्राम सोना का दाम निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, कितना बच जाएगा? 5,000 यहाँ पर आपका बच जाएगा। ठीक है, सॉरी, 5,000 आपका यहाँ हो गया। अब हमको क्या निकलना है? मान लीजिए 1 ग्राम का तो निकल गया 5,000, तो हमको कितना निकलना है यहाँ पर है 5 ग्राम। तो 5 ग्राम सोना का दाम कितना हो जाएगा? 5 × 5,000 कितना हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा है यहाँ पर। अच्छा, अब देखिए हमको तो निकल गया 5,000 का दाम, अब क्या बच गया? 8 मिलीग्राम। तो देखिए यहाँ पर 1 ग्राम बराबर होता है 1,000 मिलीग्राम। ये सब आपको जानकारी जरूरी है। ठीक है, तो 1 ग्राम का दाम कितना निकला है हमको? 5,000 निकला है, 5,000, तो यहाँ डाल दीजिए 5,000 बराबर यहाँ पर कितना है? 1,000 मिलीग्राम, 1,000 मिलीग्राम। ठीक है, अब यहाँ से हम 1 मिलीग्राम का दाम निकाल सकते हैं। तो 1 मिलीग्राम बराबर हो जाएगा आपका, 5,000 है यहाँ पर, इसमें आप 1,000 से भाग दे दीजिए, 0 से 0 बच गया 5, तो बच गया आपका 5 रुपया है यहाँ पर। अच्छा, कितना मिलीग्राम हमको निकालना है? 8 मिलीग्राम है ना। 1 मिलीग्राम का दाम निकल गया 5 रुपया, तो 8 मिलीग्राम का दाम कितना निकल जाएगा? 8 मिलीग्राम का दाम निकल जाएगा आपका 5 × 8 = 40 रुपया। ठीक है, आइए यहाँ पर, अब यहाँ आइए। तो हमको क्वेश्चन क्या है देख लीजिए फिर से, 5 ग्राम 8 मिलीग्राम सोना का दाम निकालना है ना। तो 5 ग्राम का दाम कितना निकाले हम? 25,000 जोड़ दीजिए यहाँ, 25,000 लिख दीजिए प्लस।
अब कितना है 8 मिलीग्राम, दाम कितना निकाले 8 मिलीग्राम का 40 रुपया, तो यहाँ लिख दीजिए 40 रुपया, जोड़ दीजिए दोनों को, कितना हो जाएगा 25,040 रुपया आपका सोना का दाम निकल गया। हो गया, बस इतना ही करना है, और इतना ही अगर आप जान जाते हैं तो सोना का दाम आसानी से आप निकाल लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 ग्राम का दाम निकाल दिए हैं और यहाँ पर हमको 8 मिलीग्राम का दाम निकल चुका है। मान लीजिए आपको बोलता है कि आपका सोना जो हुआ 12 ग्राम हो गया, 12 ग्राम हो गया, 12 ग्राम सोना का दाम निकालना है, 12 ग्राम सोना का दाम निकालना है, ठीक है। तो 1 ग्राम का दाम कितना निकलेगा 5,000 है, तो 12 ग्राम कितना हो जाएगा 5,000 × 12 = 60,000 हो गया। इसी तरह बोल रहा है आपको 10 ग्राम का दाम निकालना है, 10 ग्राम का दाम, तो 5,000 × 10 = 50,000। इसी तरह निकालना है आपको 1 मिलीग्राम का, 1 मिलीग्राम का दाम कितना है 5 रुपया, तो बोलेगा आपको कि 10 मिलीग्राम का दाम बताइए, 10 मिलीग्राम का दाम बताइए, तो कितना हो जाएगा 10 × 5 = 50 रुपया, 13 मिलीग्राम का, तो 13 × 5 = 65 रुपया, ठीक है। बस ध्यान में रखना यही इतना है कि 10 ग्राम सोना बराबर 1 तोला होता है और 10 ग्राम सोना बराबर 1 भरी होता है। अगर भरी में बोल रहा है तो 10 ग्राम है, और तोला में बोल रहा है तो 10 ग्राम है। अगर 1 ग्राम का दाम निकाल लीजिएगा, 1 मिलीग्राम का दाम निकाल लीजिएगा, तो आपको जितना भी सोना का वजन होगा ना आप आसानी से निकाल लीजिएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।